हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अप्सराज मेकओवर। तो आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कलर का वीडियो कि कलर को कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो सबसे पहले कलर करने के लिए पहला स्टेप है हमारा शैम्पूइंग। तो हम लोग सबसे पहले हेयर को शैम्पू करेंगे प्यूरिफाइंग शैम्पू से, और शैम्पू करने के बाद कोई भी कंडीशनर या फिर मास्क को यूज़ नहीं करेंगे। हेयर को 2 टाइम्स शैम्पू करेंगे प्यूरिफाइंग शैम्पू से। और आज हम लोग अपने कस्टमर को कर रहे हैं बरगंडी कलर, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का। और आप आगे देखते जाएं कि प्रोफेशनली हेयर को कलर करते कैसे हैं। हेयर में प्रोफेशनल कलर करने का बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे हम लोग डाई या फिर हेना या फिर नॉर्मल जो कलर करते हैं उसको करने से हमारा हेयर बहुत रफ हो जाता है, हेयर में फ्रिजीनेस चला आता है। लेकिन अगर हम लोग प्रोफेशनल कलर यूज़ करते हैं तो हम लोग इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और हमारा हेयर बहुत सिल्की और स्मूथ रहे। शैम्पू कम्प्लीट करने के बाद हेयर से एक्सेस वाटर को निकाल लेंगे और हेयर को कॉम करेंगे टेंगल फ्री कॉम से, और सारे टेंगल्स निकाल देंगे हेयर का। और कलर करने के लिए हमारा हेयर 100% ड्राई होना चाहिए, हम लोग वेट हेयर पे कलर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ भी 100% ड्राई कर रहे हैं हेयर को ताकि हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर पाएँ। और जब 100% हेयर ड्राई हो जाए तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कलर को कैसे करेंगे, कलर चूज़ कैसे करेंगे। तो जो सेट कार्ड होता है वो हम लोग कस्टमर को दे देंगे, कस्टमर खुद से ही अपना कलर को चूज़ कर लेगा उसको कौन सा कलर करना है। तो आप वो कलर का ट्यूब ले लें नंबर देख के, और डेवलपर के साथ मिक्स कर लें आपको कौन सा कलर के साथ कौन सा डेवलपर चाहिए। ये पहले का वीडियो हो चुका है इस पर, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लें अगर आप लोग कन्फ्यूज़ है कि कौन सा कलर और कौन सा डेवलपर चाहिए। कलर चूज़ करने के बाद हम लोग बेसिक 4 सेक्शन करेंगे हेयर में, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है हम लोग सारे सर्विसेज हेयर के सर्विसेज के लिए बेसिक 4 सेक्शन करते हैं। ये सेक्शन बहुत आसानी होती है क्रीम को इमल्सिफाई करने के लिए। हम लोग कलर ले लिए, जितना कलर लेंगे उतना ही डेवलपर लेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्स कंपनी है और इसका रूल है कि 1:1, मतलब जितना कलर उतना ही डेवलपर। तो जितना कलर लेंगे उतना ही डेवलपर लेके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर कलर को अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मिक्स करके हेयर को अप्लाई करने लगेंगे। कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे और बैक साइड से सेक्शन थीन थीन सेक्शन लेके कलर को करना स्टार्ट करेंगे। और हम लोग जब हेयर ड्राई हो जाए, बेसिक 4 सेक्शन हो जाए, उसके बाद ही कलर और डेवलपर को मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे क्लाइंट आ गया और क्लाइंट बोल दिया कलर करना है तो आप लोग डायरेक्ट कलर मिक्स करने चले जाओ, उसके बाद आप शैम्पू करना स्टार्ट करो। तो हम लोग पहले हेयर को चेक कर लेंगे, कंसल्टेशन कर लेंगे क्लाइंट से, उसके बाद हेयर को वॉश करेंगे, हेयर को टेंगल फ्री करेंगे, हेयर को ड्राई करेंगे, बेसिक 4 सेक्शन करेंगे, उसके बाद अपना मिक्सिंग का काम स्टार्ट करेंगे। कलर को पहले से मिक्स करके रख देने से कलर का टाइम निकल जाता है और वैसा आपको डिज़ायर रिज़ल्ट आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से उसी टाइम मिक्स करें और उसी टाइम अप्लाई करें, और सेक्शन बाय सेक्शन लेके थिन थिन सेक्शन लेके करें। थिक सेक्शन में क्रीम बहुत अच्छे से इमल्सिफाई नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग सेक्शन को पतला पतला लेके ही करेंगे और क्रीम को बहुत अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे। और कलर है केमिकल है तो हम लोग ग्लव्स को यूज़ करेंगे, बिना ग्लव्स के करने से हाथ पे कलर लग जाता है और कलर में केमिकल होता है, तो आप लोग ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें। और अगर आप लोगों ने मेरे पिछला कलर का वीडियो देखा होगा तो वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग है और उसमें मैंने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल्स देके कलर डेवलपर हेयर के बारे में सब कुछ बताया है। ये वीडियो बस 6 से 7 मिनट का है, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं दे पाऊँगी, बट आप देख के आप सीख सकते हैं। बट अगर आपको पूरा डिटेल्स चाहिए कि क्या करना है कैसे करना है थ्योरी जानना है, तो इसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो जो कलर का वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप लोग को ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें थ्योरी ज़्यादा है। तो यहाँ पर सेक्शन बाय सेक्शन करके कर रहे हैं और हम लोग का पीछे का सेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। तो कलर करके अगर आप जब कलर करें तो आप जैसे स्ट्रेटनिंग में मैंने बोला था, पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि आप अगर कोई केमिकल सर्विस दे जो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइमली डिपेंड करता है, तो आप अपने साथ किसी पार्टनर को रखें ताकि आपका काम
बहुत जल्दी हो और आपको अपना डिज़ायर रिजल्ट मिले। नहीं तो आप अगर अकेले कर रहे हो और आप बहुत स्लो हो तो आप बैक साइड में ही 30 मिनट में कलर लगाते रह जाएंगे और फ्रंट तक पहुँचते पहुँचते बैक साइड का टाइम बहुत ओवर हो जाएगा। और तो आप इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर हमारा पूरा कलर का कंप्लीट हो चुका है कलर, तो जो कलर हमारे बॉल में बचेगा उसको वापस से हेयर पे अच्छे से लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे 35 मिनट। 35 मिनट वेट करने के बाद हेयर को पहले नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। पहले ही हम लोग शैम्पू नहीं दे देंगे हेयर में, नहीं तो कलर भी ढंग से नहीं निकल पाएगा। तो पहले हम लोग कलर को निकाल देंगे। आप 3 से 4 मिनट अगर वॉश करोगे सिर्फ नॉर्मल वाटर से तो आपका कलर आराम से निकल जाएगा। उसके बाद शैम्पू करना है, लेकिन इस वक्त जो हमें शैम्पू करना है वो हम यूज़ करेंगे कलर प्रोटेक्शन शैम्पू, क्योंकि पहले हम लोग जो यूज़ किए थे वो प्यूरिफाइंग शैम्पू था। तो अभी हम लोगों ने कलर, अभी हमारे हेयर पे कलर हो चुका है तो अभी हम लोग यूज़ करेंगे कलर प्रोटेक्शन शैम्पू। कलर प्रोटेक्शन शैम्पू देके आप 2 टाइम्स हेयर को वॉश करेंगे और उसके बाद हेयर में मास्क देंगे। मास्क को 5 मिनट रखेंगे और वापस से वॉश कर देंगे। हम लोग, आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग मास्क दे मतलब वीडियो करना भूल गए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पे मास्क अप्लाई नहीं किया, हम लोगों ने मास्क लगाया और 5 मिनट रखा, उसके बाद वापस से वॉश किया, लेकिन हम लोग सूट करना भूल गए। और उसके बाद हम लोग को सीरम अप्लाई करना है। सीरम भी अप्लाई हुआ लेकिन उसको भी हम लोग सूट करना भूल गए। तो आप पहले शैम्पू करें, फिर मास्क लगाएं, मास्क लगा के 5 मिनट रखें, वापस से उसको वॉश करें, फिर टॉवल ड्राई करें, फिर सीरम अप्लाई करें। सीरम लगाने के बाद का अभी आप प्रोसेस देख सकते हैं, हम लोग ड्राई करेंगे और यहाँ हमारा फाइनल रिज़ल्ट। लाइट के वजह से आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा फाइनल रिज़ल्ट, लेकिन इनका बहुत सुंदर एक बरगंडी कलर आया था। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।